प्रिय साथियों नमस्कार। आज की दो घटनाओं से बहुत आहत हुआ, एक तो बांद्रा में, दूसरी मुमरा में। साथियों ये संकट का घड़ी है, इस घड़ी में आप किसी के बहकावे या किसी गलत इन्फॉर्मेशन के चलते अगर आप बाहर आएंगे तो आपका नुकसान है, शहर का नुकसान है, प्रदेश का नुकसान है। मित्रों आज आप देखो कि राज्य में महाविकास आघाड़ी के प्रमुख सम्माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे ने आह्वान किया है कि आप किसी भी प्रदेश के हों, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहिए, हम आपकी सब व्यवस्थाएं करेंगे। आप देख रहे हैं कि इस संकट में भी आज जिस तरह से महाराष्ट्र राज्य में, मुंबई में खासकर, हमारे तमाम परप्रांतीय भाइयों के लिए बड़े पैमाने पर खाने का, राशन का इंतजाम किया जा रहा है। इसमें हमारे मुंबई कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं ने अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से खाने का और राशन देने का काम शुरू कर रखा है, जिसका नेतृत्व मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय श्री एकनाथ गायकवाड़ जी कर रहे हैं। वो स्वयं भी हर चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सरकार के जो मुखिया हैं वो और सरकार के हमारे मंत्रीगण हर तरह से आपको सुविधा देने के लिए लगे हुए हैं। इस दौर में, इस घड़ी में, जहां पूरे देश में इस तरह के हालात हैं, वहीं मुंबई में थोड़ा ज़्यादा इसलिए है क्योंकि यहां बाहर के ज़्यादा लोग हैं, लेकिन राज्य प्रमुख जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आज बिल्कुल साफ तौर पर आपका आह्वान किया है और हर राज्य के लोगों के लिए उन्होंने ये कहा है कि आपको हम किसी तरह की तकलीफ नहीं होने देंगे। और कांग्रेसजनों से भी मैं अपील करता हूँ कि जहाँ जहाँ हमारे साथी या किसी भी प्रांत के आदमी हैं उन्हें शिव थाली पहुँचाने का, शिव भोजन थाली का जो स्कीम है वो 5 रुपये की है, वो पहुँचाने की कोशिश की जाए। मुंबई शहर में यहाँ की कॉरपोरेशन ने अलग अलग जगहों पर बड़े पैमाने पर सामूहिक भोजन का इंतज़ाम कर रखा है, वो उन्हें पहुँचाने में मदद करें। लेकिन जो लोग राजनीति कर रहे हैं, गलत राजनीति कर रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उनके ऊपर कार्रवाई हो और इस परिस्थिति में सभी मुंबईकर, सभी प्रदेश के लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके साथ खड़े हैं, आप पूरी ताकत के साथ निर्णय लें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुँचाएँ। धन्यवाद। निजामुद्दीन रायेन, प्रवक्ता, मुंबई।